अकाउंटिंग इज अ साइंस और एन आर्ट? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ट्रस्ट में एग्जाम्स में आते भी है, और ये जितना ऐसे डिफिकल्ट लग रहा है ना उतना है नहीं। सिंपल वन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो आप बोलोगे कैसे मानूं मैं अकाउंटिंग एक आर्ट है? आई टेल यू हाउ। एक एप्पल को हम कैसे ड्राइंग करते हैं? My drawing is very bad. Please don't judge me on this. But अगर मैं बोलूँ तो ये एप्पल है, ओके। अगर एक छोटे बच्चे को सीनरी बनाने दिया जाए तो क्या करेगा? ऐसे माउंटेन्स बनाएगा एंड यहाँ पे बर्ड्स बना देगा और ऐसे एक लाइन खींच देगा, फिर यहाँ पे एक नदी बनाएगा, फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे वेव्स डाल देगा टेढ़े वे की लाइन्स। टेरी बी की लाइन्स लेके आने के बाद यहाँ पे एक घर बना देगा। और एक सन बना देगा ऐसे बेसिकली, जिसके रेज ऐसे होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, क्या सच में बर्ड्स ऐसे होते हैं? आप बोलोगे नहीं। क्या माउंटेन्स ऐसे होते हैं? नहीं। पर ये हमारे माइंड में लॉजिक बैठ गया ना कि माउंटेन्स बोलो तो ऐसे बनाए, एप्पल्स बोलो तो ऐसे बनाए, राइट? तो अगर मैं बोलू अकाउंटिंग एज एन आर्ट, क्योंकि हमें क्लासिफाई और समराइज इसको एक तरीके से करना पड़ता है। नाउ आई विल टेल यू हाउ। सो बेसिकली ये सपोज अगर मैं बोलू कोई चीज का लेजर अकाउंट है, एक्स वाई जेड लेजर अकाउंट है ये, ठीक है? तो आप मानोगे? बोलेगा हाँ मैं मानूंगा। हर डेबिट साइड इस तरफ आता है, हर क्रेडिट साइड इस तरफ आता है, तो बेसिकली ये एक आर्ट हुआ या नहीं? कोई भी ट्रांजैक्शन जो डेबिट साइड में है मैं इस तरफ पोस्ट करूंगी, और कोई भी ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट साइड में है मैं उसको इस तरफ पोस्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है एंड इसको एक हम लोग को लॉजिक के साथ करना पड़ता है, वेदर दैट लॉजिक इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग और नॉट, बट दिस आर सम नॉर्म्स और वो एक कम्युनिकेबल फॉर्मेट में होता है। नाउ लेट्स गो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ओके, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो भी आपको नॉलेज मिला है दैट यू कैन अप्लाई टू द प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। अकाउंटिंग इन्वॉल्व द डिजाइनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली जहां पे वर्ड आ गया डिजाइन वहां पे आर्ट तो अपने आप आ गया। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी रिकॉर्ड्स या कोई भी इवेंट को हम अच्छे से डिजाइन करते हैं इन सम फॉर्मेट दैट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट। डेफिनेटली बोल सकती हूँ, बिकॉज इट नीड्स क्रिएटिव एंड एक्टिव स्किल्स। बस क्रिएटिविटी दिखाना है हमें। तो बेसिकली वो जो माउंटेन और सन था वो भी तो एक बच्चे की क्रिएटिविटी है ना। लिटरली वो माउंटेन वैसा नहीं होता है ना, सन ऐसा होता है, और बर्ड्स तो भी बिल्कुल नहीं होते हैं। हाँ, बात वो एक बच्चे की क्रिएटिविटी है एंड दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। सो दिस वे आई वुड लाइक टू टेल यू अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में एक डिजाइन किया गया है टू फॉलो सम स्टेप्स टू रिकॉर्ड सम ट्रांजैक्शंस। ओके, नाउ व्हाट इफ आई से अकाउंटिंग इज साइंस ऑल्सो, इसका मतलब अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट? यार मैं तो कहाँ फंस गया ना, मैंने साइंस लिया है ना आर्ट लिया है, अब मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जो साइंस भी है आर्ट भी है। तो बेसिकली आप समझ लीजिए ना, बीच के हो लेकिन सही हाथ में हो, क्योंकि अकाउंटिंग इज रियली इजी। नाउ आई विल टेल यू हाउ इज अकाउंटिंग साइंस। नाउ अ साइंस एक्चुअली मीन्स सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ यूनिवर्सल फेनोमेना। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है सबको कि न्यूटन लॉ
3 है, ग्रेविटी से सब कुछ नीचे आएगा, ये सब यूनिवर्सल फेनोमेना है। नाउ हर चीज का कोई थ्योरी है, रूल्स है एंड टेक्नोलॉजी है, तो बेसिकली अकाउंटिंग भी कोई रूल्स प्रिंसिपल या कन्वेंशंस फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत इजी सा, वॉट एवर दैट कम्स इन इज डेबिट, वॉट एवर दैट गोज आउट इज क्रेडिट। तो बेसिकली एक प्रिंसिपल और एक कन्वेंशन हुआ या नहीं हुआ, तो इस तरीके से अकाउंटिंग भी एक साइंस है जो एक यूनिवर्सल फेनोमेना फॉलो करता है, और दैट थ्योरीज एंड रूल्स आर डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ सोशल साइंस एंड सो अकाउंटिंग इज अप्लाइड साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो रिकॉर्डिंग करना तो अपने आप में एक आर्ट है, लेकिन वो आर्ट आया कहाँ से? कोई थ्योरी से, कोई प्रिंसिपल से, या कोई कन्वेंशन से? वो कन्वेंशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दिस इज वाई इट इज अ सोशल साइंस, बिकॉज दिस साइंस इज यूज बाय ह्यूमन, सो वी कैन से अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट। तो आई होप ये कन्फ्यूजन अब आपका क्लियर हो गया होगा। सो कॉमर्स स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मिलेंगे क्लास 11, 12 क्लास के कॉमर्स सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।